आज हमारे पास है LOQ i5 12450HX RTX 3050 जो कि मुश्किल था रेंज करना दोस्तों, बट आफ्टर लॉट्स ऑफ योर कमेंट मैंने रेंज किया। बट मेरा अगर आप पोस्ट देखोगे तो 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने इसका पोस्ट डाला था। आई हैव रिसीव्ड इट अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते पहले, बट आई थॉट लेट मी टेस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम, अभी रिव्यू करूंगा तभी एग्जैक्ट आपको बता पाऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने इसका कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, वो जाकर आपको देख लो, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई दूसरे लैपटॉप के साथ इसका क्या कॉम्पिटिशन है। अब चेक करना, आपको आइडिया लगेगा। अब देखो दोस्तों, इट्स not really easy to review a lap, unboxing nahi kar rahe hain, we are playing lots of games which we purchase and lots of tests to check the power of laptop, uske liye required environment create karna padta hai and then running 4k renders, illustrator, blender, input output check and next, in case of agar koi problem reported hai to aur bhai thoda waqt lagana padta hai, kam se kam 2 se 3 hafte ragadna padta hai, then we can come with a review, kabhi kar mein 3 mahine 6 mahine even 1 year ka bhi review possible, main la kar dikhata hu aap logon ko, so it's take time dosto, us baat par like and subscribe zarur kar lena, chalo let's start with the review। ek point hai price ke hisab se configuration specs and build को compare करना, don't compare the same with something like HP Omen i7 1370HX 3050 जो कि 95,000 रुपीस में, similarly Rockstrix G16 जो कि again 90,000 रुपीस का, they ask extra cost for it, but yes i7 14th and 4060 का जो looks आपको LOQ की मिलता है और जो build quality मिलता है, same quality आपको 67,000 रुपीस में यहाँ देखने को मिलता है, तो एक अच्छी बात है कि हर रेट पर आपको quality के साथ compromise नहीं कर रहा है LOQ, correct? देखो जहाँ तक looks and build की बात है, ये complete polycarbonate में आता है, but finishing की क्वालिटी इज रियली गुड। स्क्रैच तभी आएगा अगर कोई साफ ऑब्जेक्ट लग जाएगा, मींस पेंट जॉब पर अच्छा ध्यान किया गया है, बेटर देन ओल्ड आइडिया पैड्स एंड ऑल। देखो दिस आई कैन से ओनली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बट हां आफ्टर रेगुलर यूज साइड में कलर डिग्रेडेशन हो सकता है, जो कि सिमिलरली मेरे 2 साल पहले डेल वाले लैपटॉप में अगर आप जो देख सकते हो उसमें भी हुआ। अब मैं LOQ को मैक्सिमम 6 महीने से यूज कर रहा हूं, कलर क्वालिटी ऑफ दिस शू इज अप्रोक्सीमेटली सेम, उस बेसिस पर आपको बता रहा हूं। ये तो चलो मेटल बिल्ड में भी स्क्रैच आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको टफ F15 के बिल्ड में दिखाया, but that's normal, it all depends on how to use it and care it, correct? Lid completely 180 degree open ho jata hai, to accidental protection milta hai kind of, matlab koi agar is par baith jaye to lid nahi tootne wala, and jahan tak body flex ki baat hai to yaar body flex na ke barabar hai, and similarly agar keyboard flex bhi aap dekhoge to na, there is no keyboard flex exactly, and single hand aapka ye laptop open ho jata hai, that means hinges ki quality acha hai, jahan tak wobbling ki baat hai it's still there but minor hai, lid ke beech mein aapko ye extended part milega, that is actually गुड प्रैक्टिस जो कि Lenovo फॉलो करता है, एंड द बेस्ट प्रैक्टिस टू ओपन लिड इन एनी ऑफ द लैपटॉप इज ऑलवेज फ्रॉम द मिड साइड, साइड से ओपन करोगे तो भाई पर्टिकुलर हिंज पर काफी प्रेशर पड़ता है जिससे हिंज जल्दी खराब होते हैं, तो ऑलवेज ओपन फ्रॉम मिड। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो काफी क्लीन एंड एस्थेटिक लुक देखने को मिलता है, साइड्स में देयर इज नो वेंट्स, पहले आता था ओनली एट द बॉटम एंड बैक साइड ऑफ द लैपटॉप, एज नाउ Lenovo यूजिंग हाइपर चैंबर कूलिंग सिस्टम, नाम थोड़ा खतरनाक है, जिसमें फैंस अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं फॉर व्हिच एक्चुअली गाइड द हॉट एयर सील्ड चैम्बर जो कि ऊपर से सील्ड रहता है ऊपर एंड नीचे की तरफ से, टू पुश द हॉट एयर एट द बैक साइड। तो व्हाइल गेमिंग वी डिडंट फेस एनी हीट ऑन लैपटॉप सरफेस, नॉर्मल वार्म अप होता है वो आप गेमिंग सेक्शन में चेक आउट कर लेना, बट हाँ हैवी लैपटॉप है दोस्तों, 2.4 kg का लैपटॉप एंड चार्जिंग ब्रिक के साथ अप्रोक्सीमेटली 3.5 kg पहुंच जाएगा, 170 वाट का इसमें आपको ब्रिक मिलता है, एंड इसके साथ इसका कीबोर्ड लेआउट इज रियली गुड, मींस कीज के बीच में जो स्पेसिंग है ना वो अच्छा दिया गया है, फुल साइज कीबोर्ड है, डेडिकेटेड को पायलट बटन मिल जाता है, एंड ब्लैक कलर कीज हैं जिसमें आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, इस पर मैं इस बात को मानना पड़ेगा किसी भी और लैपटॉप से कंपेयर करें तो। एरो कीज को थोड़ा गुड साइज का दिया गया है तो गेमिंग में दिक्कत नहीं होने वाली है, वरना एरो कीज इतने छोटे होते हैं कुछ लैपटॉप्स में कि गेमिंग करना है तो बिना कीबोर्ड के काम नहीं चलता, एक्सटर्नल कीबोर्ड। ट्रैक पैड की जहां तक बात है, बिकॉज एरो कीज बड़ा है तो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड अलाइंड है, बट ट्रैक पैड का साइज इज गुड एनफ जो कि आपके मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, बट वन पॉइंट इज भाई इस LOQ मॉडल में सिंगल कलर बैकलाइट ही मिलती है, में 2 लेवल पर ब्राइटनेस तो आप सेट कर सकते हो लेकिन 4 RGB नहीं मिलता, उसके लिए एक अपर सेगमेंट के साथ जाना पड़ेगा। पावर बटन काफी क्लासिक लगा इसमें, जिसमें कलर जैसे आप मोड चेंज करते हो ना उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर भी चेंज होता था, तो वो एक बेहतरीन है जो कि पहले नहीं आता था अब आता है। चलो थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं फिर बाकी मामला चेकआउट मारेंगे, है कि नहीं। दिस कम्स विद i5 12450HX RTX 3050, 95 वॉट TGP GPU एंड टोटल 8 कोर एंड 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंट कोर्स जो कि हाइब्रिड स्प्लिट है, एंड 12 थ्रेड्स मिल जाता है, मैक्स टर्बो स्पीड ऑफ 4.4 GHz जो ये प्रोसेसर आपको ले
जा सकता है। 55 वाट के बेस पावर के साथ आता है, बट मैक्सिमम टर्बो पावर जो इसका टीडीपी है वो 157 वाट तक पुश कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ एचएक्स सीपीयू, करेक्ट। इसमें आपको डुअल चैनल DDR5 रैम मिलता है, मतलब 8GB पर स्लॉट, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन सिंगल चैनल 16GB दे देते ना यार, तो 32GB में अपग्रेड करने के लिए मेरे को दोनों 8GB वाले स्लॉट्स को फेंकना नहीं पड़ता। वैसे ब्रांड जानता है कि इस स्पेक्स के लैपटॉप को मैक्सिमम जनता जो यूज करती है ना, वो 16GB से उनका काम चल जाता है, तो इसीलिए उन्होंने डुअल चैनल रैम आपको दिया है 8GB x 8GB, सो दैट कि अगेन दोनों स्लॉट यूज होता है तो बेटर परफॉर्मेंस निकालता है। बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो 64GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। ब्रांड 32GB बोलता है। 512GB का Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसका रीड राइट स्पीड Gen 3 से तो अच्छा है, लेकिन जो Gen 4 का मैक्स आउट स्पीड है वहां तक नहीं जाता, मिड में कहीं फंस जाता है, बट इट्स गुड एनफ फॉर दिस लैपटॉप। एग्जैक्टली, SSD स्लॉट्स में आपको दो मिल जाते हैं, एक स्मॉल साइज एंड एक बिग साइज, सो 2TB पर स्लॉट आप अपग्रेड कर सकते हो, बट जरूरत है क्या वो आप सोचना। वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, एमएस ऑफिस लाइफ टाइम मिलता है, ये एक अच्छी बात है जो कि इस सेगमेंट के लैपटॉप में कम देखने को मिलता है। एंड यस, ये लैपटॉप मैंने संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 से अरेंज किया है, वहां आपको मिस्टर सोनू जी एंड मिस्टर राम जी मिल जाएंगे, दे विल असिस्ट यू टू गेट द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू। चाहे ये लैपटॉप लेना हो, चाहे कोई और ब्रांड का आपको देखना हो, यू विल गेट ऑल द डेमोज ओवर देयर, ऑल द लैपटॉप डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, प्लस डिस्काउंट एंड ऑल एवरीथिंग ऑन द गो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना, मेरा रेफरेंस दे दोगे तो हो सकता है कि कुछ एक्सेसरीज भी आपको साथ में फ्री में मिल जाए। जहां तक पोर्ट्स की बात है, राइट साइड में वी गेट 1C port 3.2 Gen 2 विद 10GBPS स्पीड एंड विच सपोर्ट्स 140 वाट पीडी चार्जिंग, मतलब मैक्सिमम 140 वाट वाला पीडी चार्जिंग चलेगा, लेकिन अगर आप 100 वाट का भी आप पीडी चार्जर यूज करोगे तो यू विल गेट द पावर आउटपुट। सपोर्ट्स डिस्प्ले पोर्ट 1.4। अब डिस्प्ले 1.4 पोर्ट क्या है एग्जैक्टली, आपको 1440p पर 240 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर सकता है अगर आपका लैपटॉप कैपेबल है, एंड 4K is up to 120Hz, and again 8K resolution 30fps पर आप स्ट्रीम कर सकते हो। एक USB Type A port 3.2 Gen 1 port मिल जाता है 5GBPS speed के साथ, एक all-in-one headphone jack and एक camera shutter button। Left side में plain मामला है, and back side में दो USB Type A 3.2 Gen 1 and एक RJ45 HDMI 2.1 and एक charging port। HDMI 2.1 से आप RTX 3050 से output ले सकते हो, similarly C port के साथ, but no Thunderbolt 4 port। It's subjective matter भाई, but अब next model से भाई दे दो भाई, ले लो भाई, because लैपटॉप टू लैपटॉप डेटा शेयरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट को यूज करके हम आज के डेट में एक तगड़ा इंस्टेंट डेटा ट्रांसफर स्पीड निकाल सकते हैं, तो अपकमिंग मॉडल में आप दे दो। वैसे अगेन एज आई सेड, इट्स सब्जेक्टिव, उतना यूज नहीं आता, कौन चार्ट लैपटॉप लेकर बैठेगा, कार्ड रीडर तो दे ही देते भैया, क्योंकि कार्ड रीडर बहुत जरूरी है गेमिंग या क्रिएटर वर्जन लैपटॉप में। लेनोवो एक लौता लैपटॉप है जिसमें डेडिकेटेड AI चिप देखने को मिलता है, एज पर देम आपके वर्क के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को ट्विक कर देता है। वैसे अभी हमको ट्विकिंग की कम, इस लैपटॉप के लॉन्ग लाइफ की ज्यादा चिंता है। वैसे लेनोवो ने अपने सपोर्ट सिस्टम पर काफी इंप्रूवमेंट लाया है एज पर देम, जो कि हमको इंटीमेशन मिला, मतलब आपको इंस्टेंट चार्जर मिल जाता है, चार्जर अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो गया तो इंस्टेंट दे लिसन यू, ऑल दीज थिंग्स, जैसा मेरे को कमेंट्स में भी देखने को मिला। अब इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लो जरा, 823 का स्कोर देखोगे 10,758 मल्टी स्कोर एंड सिंगल स्कोर 1589, जो कि i5-12450HX के हिसाब से सही स्कोर कहलाए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे PC मार्केट स्कोर देखोगे तो वो भी 5865 के अराउंड निकल कर आता है। अगेन आप कंपेयर जरूर कर लेना अगर आप किसी और स्पेक्स के साथ कंपेयर करना चाहो, लेकिन 3D मार्केट 3050 का 6291 आया, जो कि ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर है, एंड 95 वाट TDP के हिसाब से। एंड अगर आप ये Geekbench का CPU का स्कोर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 9300 के अराउंड निकाल कर लाता है मल्टी स्कोर, एंड GPU का स्कोर 64000 के अप्रोक्स निकल कर आता है। सिमिलरली अगर आप यही 4050 का देखोगे तो 90,000 के ब्लेंडर का स्कोर देखोगे तो 1164 के अराउंड कुछ देखने को मिलता है, जो कि 4050 का अगेन ज्यादा है। VR मार्क अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 8500 के अराउंड निकलता है, जो कि इन एन एवरेज ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मार्क टेन देखोगे तो 1623 ओवरऑल स्कोर है, कंपैरिजन करने में काफी काम आता है। रीड राइट स्कोर थोड़ा सा कम लगा, बट अगेन इट्स काइंड ऑफ ओके। फिर गेमिंग सेविंग भी कर लिया जाएगा, जब गेम स्टार्ट किया जाए, और पहला गेम हम कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम डीएलएसएस ऑन और डीएलएसएस ऑन अल्ट्रा सेटिंग अगर आप दोनों देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको 90-95 FPS आराम से निकाल कर दे देता है, इन एन एवरेज 85 FPS कह रहा हूं। टेम्परेचर आप देखो भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा ही निचोड़ू गेम है और उसके हिसाब से ठीक था 80-85 के अराउंड, लेकिन अब फायर क्राई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डीएलएसएस ऑन करके अल्ट्रा सेटिंग्स पर आप 95 FPS इन एन एवरेज अचीव कर सकते हो, और 13GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो भाई आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ गेमिंग आपको 80-82
485 तक कहीं ना कहीं टच करता है, बट इन एन एवरेज 80 के अराउंड टेम्परेचर रहता है। लेकिन टीजीपी अगर देखोगे तो भाई ये 90 वॉट टीजीपी तक जा रहा है, 91 भी जा रहा है कहीं कहीं। यहाँ आ गया आपका फोर्जा फॉरबिडन वेस्ट, और यहाँ पर अगर आप हाई सेटिंग्स के हिसाब से देखोगे तो 50-55 एफपीएस के अराउंड निकल कर आता है, जो कि हमने इन्फिनिक्स से भी पिछले वाले वीडियो में कंपेयर किया था, वहां पे भी जाकर देख लेना। और टीजीपी यहाँ पर 91-92 तक पुश किया था, जबकि 95 वॉट टीजीपी का है, लेकिन वेरी हाई सेटिंग्स पे भी हमको 42-43 एफपीएस निकाल कर दे रहा है। भाई यहाँ पर एचएक्स सीपीयू का भी कॉम्बिनेशन रंग ला रहा है, बिकॉज इन्फिनिक्स में ये एफपीएस नहीं निकल कर आ पा रहा था, जबकि सेम जीपीयू उसमें भी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे फोर्जा होराइजन, तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्वालिटी पे तो आपको 40 एफपीएस से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अल्ट्रा क्वालिटी पे अगर आप गेम खेलोगे तो 70-75 एफपीएस, 65-70 एफपीएस आप निकाल सकते हो। लेकिन वी रैम देखो भाई, पूरा 6GB वी रैम यूटिलाइज हो रहा है सिस्टम का, जीपीयू का। एंड टेम्परेचर अगेन, सीपीयू टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड, मतलब 69-70 स्टार्टिंग का गेम है तो उसके हिसाब से रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। आप आ जाते हैं साइबरपंक रीट्रेसिंग लो पर, हमने चेक किया तो भाई 45-50 एफपीएस ने एवरेज इसने निकाल दिया, मतलब रीट्रेसिंग लो पर आप ट्राई कर लो खेलने का, लेकिन रीट्रेसिंग मीडियम एंड ऑल पर मत जाना। अब यहाँ पर हमने आपको रीट्रेसिंग मीडियम पर दिखाया तो एफपीएस ज्यादा गिर गया, लेकिन अल्ट्रा सेटिंग जो हमारा नॉर्मली रीट्रेसिंग बंद करके 50-50 एफपीएस हमको निकाल देता है, तो अल्ट्रा सेटिंग में ना आप एफएसआर क्वालिटी पर अच्छा एक साइबरपंक भी आप खेल सकते हो। और टीजीपी देखो 95 वॉट टीजीपी का ये लैपटॉप है, ये जीपीयू इसमें मिलता है, लेकिन आपका 92 वॉट तक जा रहा है, तो ये कुछ इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट गेम अपना GTA 5, और यहाँ पर आपको भाई 130-132 एफपीएस आराम से निकल कर जाता है भाई, सीपीयू जीपीयू इंटेंसिव दोनों काम चलता है, स्पेशली फोर्जा होराइजन एंड ऑल फॉरबिडन वेस्ट एंड ऑल पर थोड़ा सा आपको ड्रॉप मिला था बैटरी का 1% का 2%, बट देर इज नो लैग, देर इज नो डिस्टर्बेंस वाइल प्लेइंग द गेम। ये हमारा फीडबैक है इस लैपटॉप को लेकर, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली 2-3 हफ्ते से भैया इस लैपटॉप को रगड़ रहे हैं, और सारे आपके कंसर्न्स को भी ध्यान रखते हुए इसलिए इसमें इतना समय लगाया हमने रिव्यू कराने के लिए। और भाई अब CS2 नेक्स्ट गेम 160-165 एवरेज एफपीएस आपको निकाल कर दे रहा है, टेम्परेचर आप देख लो 69-70 के अराउंड है, और इसमें भी अपना टीजीपी जीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4.3 जीबी जीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, 80+ वॉट यूटिलाइज हो रहा है भाई, डिफॉल्ट सेटिंग पर हम इसको खेल रहे हैं, बिकॉज यार इसमें भी अब सीपीयू और जीपीयू दोनों का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन आ गया है काउंटर स्ट्राइक में, उस हिसाब से भाई 160-170 एफपीएस अगर ये निकाल कर ले आता है ये प्रोसेसर, तो एक अच्छी चीज है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे इन एन एवरेज, अगर हमारा टीजीपी और टीडीपी दोनों भी देखोगे तो दोनों कहीं ना कहीं पुश मार रहा है। और भाई अब आ जाते हैं माइल्स मोरेल पर, यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स में भैया हमको 67-75 एफपीएस मिल रहा है, और हाई सेटिंग्स में भी 75 इन एन एवरेज सेम ही एफपीएस मिल रहा है, क्लैक लिस्ट था पता नहीं, बट आपको दोनों ही सेटिंग में, हाँ बट आप सिनेरियो टू सिनेरियो देखोगे तो लेफ्ट साइड में थोड़ा एफपीएस ज्यादा, राइट साइड में थोड़ा कम है, और भाई फाइटिंग सीन भी तो चल रहा है ये भी ध्यान रखो आप। और टेम्परेचर देखो भाई 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टच कर रहा है, एकदम स्ट्रीम मोड पर खेल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सारे गेम जो टेस्ट किए हैं इसमें जीपीयू ओवरक्लॉक भी रखे थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने उसको बंद भी कर दिया था जस्ट टू चेक कि बैटरी परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट अपना गेम है जो कि है अगेन, इसका नाम मैं गलत बोल देता हूं, अपना इविल डेड रेजिडेंट इविल 4, जिसमें डिलेसेस ऑन डिलेसेस ऑफ में आप देख सकते हो कि मैं डिलेसेस ऑफ करके एफपीएस ज्यादा दिख रहा है, इसमें कुछ ग्लिच है बिकॉज डिलेसेस 2.0 का सपोर्ट मिलता है 3000 ग्राफिक्स कार्ड में, 4 का नहीं मिलता है, और इसमें डिलेसेस पक्का काम तभी कर पाता है जब डिलेसेस 3.0 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 55 एफपीएस इज गुड एनफ भाई अगर आप खेलना चाहो इसमें, बिकॉज इसमें जी सिंक एंड ऑल भी मिलता है, तो आपको क्वालिटी डिस्प्ले का अच्छा देखने में लग रहा होगा। और यहां पे भी अपना अप्रोक्सीमेटली 5.2 जीबी मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है, और टीजीपी 91-92 तक जा रहा है। एलियन वेक 2 भाई ये बहुत ही खतरनाक जीपीयू खींचने वाला गेम है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हम इन एन एवरेज सेटिंग्स के साथ खेल रहे हैं तो हमको 35-40-40-45 से ज्यादा एफपीएस नहीं निकाल कर दे पाएगा, तो दैट्स ओके। मेन है कि आपका ये जो आपके सबसे टफ गेम्स हैं उसको भी खेलने के लिए कैपेबल है ये लैपटॉप, बट यही कहूंगा कि भाई मैक्स ऑफ द मैक्स हाईएस्ट सेटिंग में ना खेलकर आप मीडियम एवरेज सेटिंग्स के साथ खेलोगे तो ये लैपटॉप 3050 HX CPU के साथ आपको मैक्स ऑफ द गेम खेलवा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम नॉर्मल उसमें खेल रहे थे ग्राफिक्स में, अब यहाँ पे इसको थोड़ा हाई करके देखते हैं कितना FPS ड्रॉप होता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन वही 5-6 FPS का ड्रॉप हुआ, 30 FPS पर आके अटक गया जैसे हमने इसको हाई किया, अदरवाइज 40 FPS आपका निकाल कर दे रहा था। और भाई देखो 92, 93,
वॉट टीजीपी यहाँ पर पुश कर रहा है भाई, जैसे हमने इसको वेरी हाई सेटिंग पर किया। तो भाई हाई सेटिंग्स पे खेल लो, मीडियम सेटिंग्स पे खेल लो एलन वेक जैसे गेम को, भाई बहुत ही जीपीयू इंटेंसिव गेम है। सिमिलरली फॉरबिडन वेस्ट भी आपको वैसा ही है, बट स्टिल उसमें बेटर एफपीएस निकाल कर लाया था। इसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है इस लैपटॉप को, बट अगेन परफॉर्मेंस के हिसाब से ओवरऑल मिड लेवल गेमिंग से एक ऊपर भी आप आराम से कर सकते हो। HX CPU and 3050 95W का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा गेमिंग करवा दे रहा है। हैवी गेम्स लाइक साइबरपंक में हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स पर अगर आप खेलोगे तो यू कैन इजीली गेट द गुड रिजल्ट, लेकिन अगर रीट्रेसिंग ऑन रखोगे या करोगे थोड़ा सा आपको FPS से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो आप ध्यान रखना। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई 3050 6GB एंड 4050 6GB में क्या डिफरेंस है, सिंपल में भाई समझ लो 4050 का जो गीक बेंच एंड ब्लेंडर स्कोर में डिफरेंस देख रहे हो ना, 4050 का काफी बेहतरीन स्कोर है। सो 4050 ऐसे ही नहीं महंगा मिलता है मार्केट में, परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी, लेकिन 3050 इज गुड एनफ टू प्रोवाइड एनफ गेमिंग परफॉर्मेंस जैसा आपने देखा ऊपर गेमिंग में। डिस्प्ले की बात करें तो ये इसका की हाईलाइट है, 300 nits 100% sRGB 15.6 inch 144Hz फुल HD डिस्प्ले, IPS पैनल, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद G-Sync सपोर्ट। इस प्राइस में G-Sync सपोर्ट बहुत मुश्किल है मिलने को, करेक्ट। एंड डायनेमिक रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जो कि इन केस अगर आप बैटरी पर लैपटॉप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली 60Hz पर स्विच हो जाता है, एंड वायर्ड मोड पर 144Hz आपको देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में इसका कोई टक्कर नहीं दूर दूर तक, जहां तक इस प्राइस रेंज में। जहां तक स्पीकर क्वालिटी की बात है, तो यार साउंड क्वालिटी इज गुड, डिस्टॉर्शन तो नहीं है, बट यार थोड़ा और लाउड होता ना तो बेटर रहता। कैमरा क्वालिटी में इसमें आपको 720 पिक्सल से ही काम चलाना पड़ेगा, अगर 1080 पिक्सल चाहिए तो भाई 13 जनरेशन के साथ जाना पड़ेगा। क्वालिटी आपके सामने है। अभी जो आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हो, या पहले क्योंकि 720 पिक्सल वाले कैमरा से देख रहे हो, इसके अपर मॉडल में आपको 1080 पिक्सल वाला मिलता है, बट यार ठीक है, मतलब अगर आपको नॉर्मल ऑफिस कॉल्स या वीडियो कॉल्स अटेंड करना है उसके हिसाब से चल जाएगा, थोड़ा सा पिक्सेलेटेड है बट चल जाएगा। बैटरी मेजर पॉइंट जो आप लोग पूछ रहे थे, देखो दोस्तों Lenovo कहता है कि इसमें आपको रैपिड चार्जिंग मिलता है, तो रैपिड चार्जिंग ऑन करके जब हमने इसको चार्ज किया ना, तो 25 मिनट में लैपटॉप 80% चार्ज हो गया, दैट मींस इट्स वर्किंग। रेस्ट 170 वॉट चार्जर फुल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। रेस्ट जब हमने एडिटिंग साइड में मल्टीपल ब्राउजर ओपन भी कर रखे थे, 4K वीडियोस भी चला दिए, तब भी बैटरी चार्ज हो रही थी। But while playing few extensive games like Cyberpunk, Miles Morales, Horizon, Forbidden West, 1-2% battery drop देखने को मिला। इसका reason क्या है वो मैंने आपको पिछले videos में भी बता रखा है, but that's normal, जो मैंने explain किया है। In case you have battery issue concern, जहाँ पर आपको ज्यादा battery drop देखने को मिलता है, you can easily get it from Lenovo support, complain raise करो, 2-3 दिन में आपके घर पर 230 watt का charger वो deliver कर देंगे based on your laptop requirement। सुनने में आया कि कुछ लोग कह रहे थे कि motherboard same use होता है AMD and Intel में, just for information दोस्तों, दोनों के चिपसेट्स एंड सीपीयू आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग होते हैं, सो मदरबोर्ड भी अलग होता है, एंड दोनों का डिफरेंट TDP वॉटेज भी पुश होता है, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। दोनों में ट्रांजिस्टर्स भी डिफरेंट हैं, आई एक्सप्लेन दिस इन वीडियो, गो एंड वॉच इट, कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा दोनों चिपसेट में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। जहां तक 4K एडिटिंग की बात है, तो इसका HX CPU and 3050 enables you to do it easily to some extent, rest आप देख लो। Blenders and all में mid level work कर सकते हो, पर Novo Ventus software exactly ना काफी बेहतरीन लगता है मेरे को option, जिस तरह इसको design किया गया है। अगर आप यहाँ देखोगे आपको GPU का status, VRAM का status, और यही right side में आपका overclocking का status, overclocking करते ही आपका full GPU, VRAM and all utilize होगा। आप यहीं से network boost कर सकते हो, जो कि gaming में latency के लिए काफी use होता है, और उसके बाद आप यहीं से touchpad को अगर lock करना चाहो तो touchpad को भी lock कर सकते हो, सो दैट कि अगर गेमिंग के बीच में दिक्कत आपका ना हो। और सिमिलरली अगर आप यहीं से आप देखोगे तो आपको हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड IGPU ओनली मोड, मतलब ये IGPU में भी हाइब्रिड डाल दिया है, और हाइब्रिड ऑटो मोड। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे तो सिर्फ DGPU मोड है, DGPU में सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड GPU यूटिलाइज होता है फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस, लेकिन हमने जो हाइब्रिड GPU को यूज किया है फॉर गेमिंग, जिसमें हमको ओवरऑल बेनिफिट देखने को मिलता है। सिमिलरली आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, जो कि मैंने बताया कि 72 to 144 के बीच में रिफ्रेश रेट चेंज होता है, आप ये एडेप्टिव रिफ्रेश यहाँ से ऑन कर सकते हो। वाईफाई सिक्योरिटी, रैपिड चार्ज ऑप्शन, अगर आपको फास्ट लैपटॉप चार्ज करना है तो आप रैपिड चार्ज ऑन करके रख सकते हो। साथ ही आपको सिस्टम हेल्थ के लिए एक अलग से टैब मिल जाता है, जहां पर आपका सिस्टम हेल्थ गुड कंडीशन फिलहाल दिखा रहा है, कोई अपडेट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई पैच एंड ऑल कुछ है तो नहीं, वो सारा कुछ यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस यहां पर आप देख सकते हो कि चेकड ऑन सिस्टम इज अपडेटेड और नॉट, सारा कुछ स्टेटस आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। आप हार्डवेयर स्कैन करना चाहते हो
तो आप यहीं से हार्डवेयर स्कैन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर कहलाएगा, करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्रो सी की अगर आपको कोई सेट करना है 1 to 5 के 1 to 9 के बीच में, आप ये सारा कुछ ऐसा सेट कर सकते हो इफ यू नीड। साथ ही पावर में आप देख सकते हो 72% बैटरी दिखा रहा है इसमें। आप सी बैटरी डिटेल्स यहीं से देख सकते हो, बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी कैपेसिटी, सब कुछ आपके लिए इजी बनाने के लिए लिनोवो ने अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर दिया। रैपिड चार्जर ऑन है और यहाँ से आपका ये ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड, मतलब इसमें आपका रिज्यूम चार्जिंग टू रीच 100% बिफोर प्रेडिक्टेड फर्स्ट यूज द नेक्स्ट डे, चार्जिंग विल बी सस्पेंडेड व्हेन द बैटरी पावर रीचेस अराउंड 80% स्टार्ट चार्जिंग। ये सारी सेटिंग्स आप देख रहे हो कि 80% के बाद ये धीरे धीरे चार्ज होगा, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 80% के बाद धीरे धीरे चार्ज होता है। सो ये सारे ग्राफ्स आपको यही क्लियरली आंसर आपका प्रोवाइड करा रहा है कि क्या चीज है क्या है। बैटरी चार्जिंग इशू, Q&A फॉर योर मशीन। अब एग्जांपल बैटरी चार्जिंग इशू है, इससे रिलेटेड हीटिंग रिलेटेड इशू है, कोई भी आप यहाँ पे Q&A देखोगे तो यहाँ से आपको इससे रिलेटेड आंसर मिल जाएगा कि इससे रिलेटेड क्या ट्रबल शूटिंग गाइड है। आपको खुद ही सिस्टम ट्रबल शूटिंग गाइड प्रोवाइड करता है जिससे आप आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो खुद ही रिजॉल्व कर सकते। ऑडियो में अगर आप जाओगे तो माइक आप ये देख सकते हो कि ऑडियो के क्या है, डिस्प्ले कैमरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्ले आप यहाँ से देख सकते हो, उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट एक्सपोजर आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। इनपुट एंड एक्सेसरीज, एडवांस सेटिंग्स, सुपर रेजोल्यूशन, ये सारा कुछ आप यहाँ से चेकआउट मार सकते हो। साथ ही परफॉर्मेंस मोड, मैंने जैसे आपको बताया हम लोग परफॉर्मेंस मोड में गेम चेक कर रहे थे, बैलेंस मोड है जिसमें नॉर्मली आप देख सकते हो कि एनेबल लीजन AI, भाई लीजन कहां से आ गया इसमें, तो LOQ है बट ठीक है, लीजन का ही सॉफ्टवेयर है। लीजन AI इंजन प्लस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट गेम प्ले एंड ट्यून CPU GPU परफॉर्मेंस। आप बैलेंस मोड को भी ऑन करके रख सकते हो फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। आपके पास क्वाइट मोड है, बिल्कुल आपको ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई ज्यादा हल्का फुल्का डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है। कस्टम मोड है, कस्टम मोड को अगर आप सेलेक्ट करते हो, कस्टम मोड पर आप एक्सट्रीम मोड टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, द टेंपरेचर ऑन योर कंप्यूटर एंड फैन नॉइज माइट इंक्रीज। कस्टम मोड पे देख रहे हो टेंपरेचर में इंक्रीज। अब यहां पर अगर आप इसको हटाते हो तो आप खुद से फैन की स्पीड को फुल कर सकते हो, फिट पर कर सकते हो। परफॉर्मेंस पर अगर आप चाहोगे, परफॉर्मेंस पर आप देखो आप टोटल पावर भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो 50 वाट, जो आप सिमिलरली CPU प्लेटफॉर्म शॉर्ट टर्म पावर लिमिट भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो CPU का टेंपरेचर एग्जांपल 97 डिग्री सेल्सियस तक रीच करेगा कोई प्रॉब्लम, इसके बाद ऑटो कट मारेगा, आप 100 तक ले जा सकते हो उसको। आप चाहो तो 94-95 इससे ऊपर टेंपरेचर जाए ही नहीं। सिमिलरली आप CPU टू GPU डायनेमिक बूस्ट, जो 15 वाट का बूस्ट मिलता है वो भी यहां से आप देख सकते हो। नॉर्मली मैं परफॉर्मेंस मोड में ही गेम खेलता हूं या तो बैलेंस मोड में खेल, व्हाइट मोड बेटर बैटरी बैकअप के लिए यूज करता हूं। आपको इसमें डायनेमिक सॉफ्टवेयर मिलता है, यहां से आप अपने ऑडियो को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो गेमिंग एंड ऑल के अकॉर्डिंग, जो इसका एक प्रीबिल्ट सॉफ्टवेयर। कोडिंग AIML भाई फुल ऑन टेंशन का जरूरत नहीं है भाई, ऐसा HX प्रोसेसर मिल रहा है इसमें आपको, इस रेंज में G-Sync रैपिड चार्जिंग 100% sRGB 95 वॉट TDP HX CPU 300 nits ब्राइटनेस AI चिप एंड एक्सटेंसिव Lenovo Ventus सॉफ्टवेयर आई डोंट थिंक कोई और लैपटॉप दे रहा है। अभी मैंने Dell G16 का भी रिव्यू किया था जो कि 84K का अभी भी आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा भाई, उसमें एवरेज डिस्प्ले लगा रखे हैं। सो यू कैन गो विद दिस लैपटॉप एंड Lenovo ट्राइड टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द पीपल विद अ गुड पॉसिबल परफॉर्मेंस लैपटॉप्स, सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर साइड। तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं लोग मुझको बताएं, उसके भी रिलेटेड आप मेरे को कमेंट करो। मुझको जहां तक फीडबैक मिला है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। रेस्ट यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियोस में आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए तो कमेंट खाली है, कमेंट करिए, हम आपके लिए अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।